आज तक वो जवाब नहीं मिला कि हम लोग अगर जो क्वालिफाइड किस ढंग से नहीं किया गया, उनका जवाब हमें तब आज तक नहीं मिला। आपका मेडिकल हो चुका है सर, सारा टेस्ट हो चुका है? जी सर, सभी सर रिटर्न हो चुका है। जी सर, सर्विस में आप पास हो चुके हैं? जी सर। पास होने के बाद आप क्वालिफाइड नहीं है? हाँ, उनका उनके द्वारा कहना है कि क्वालिफाइड नहीं है, जबकि उन्होंने खुद स्कोर कार्ड हम लोग का जारी किया था, उसमें हम लोग सभी तरह के फिट है सर, मेडिकल फिट है, एग्जाम फिट है, पीटी फिट है, फिट है सर। आपके साथ तकरीबन कितने लोगों को ज्वाइनिंग हुआ था, उसमें से कुछ लोगों को मिला है या हर किसी को यही बोला गया है कि आप क्वालिफाई नहीं है? जी सर, हम लोग 1,09,000 टोटल लोग मेडिकल पास किए थे, उसमें उन्होंने मात्र 55,000 को लिया था, जबकि हमारा सीट 60,210 पोस्ट थी सर, और 5,000 हम लोग को छोड़ दिया गया, और हमारी मांग उसी 5,000 सीट है सर, वो सीट की है, वो पूरा 5,000 सीट फिल किया जाए, और जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, उनको प्राथमिकता देते हुए वो सभी सीट को फिल किया जाए सर। पिछले साल भर के प्रोटेस्ट में रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट सर हम लोग को अभी तक तो कुछ नहीं निकला, और बार बार सर हम लोग यहाँ पे सभी भारत के जितने भी सांसद हैं सभी को हमने मेमोरेंडम दिया, अपना दुख सुनाया सर, न्याय की मांग किया, यहाँ तक कि सर पीएम, एचएमओ, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति माननीय अमित शाह, ऐसा एक भी मंत्री नहीं है सर, ऐसा एक भी दफ्तर नहीं है जहाँ तक हम लोग नहीं गए सर, लेकिन वहाँ से आज तक हम लोग का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, ना कोई आश्वासन मिला सर। पिछले साल भर से आप लोगों ने तकरीबन साल भर दिल्ली में अनशन किया, दिल्ली में आप लोगों ने आंदोलन किया, और वो भी लॉकडाउन के दौरान किया। जी सर, वहाँ पर आपको आपने जिन जिन लोगों से मुलाकात की जी, उनका इस विषय में कहना क्या था? उनका सर हमारा ज्ञापन लेते थे सर, और ये उनका एक ही कहना था, ठीक है हम आगे बात करते हैं, आपका आगे मेमोरेंडम हम देते हैं, लेकिन उसके बाद सर हम लोग जब रिप्लाई मांगने जाते थे तो कभी ये टाल दिया जाता था कि हाँ अभी साहब नहीं है, कभी ये कि अभी मीटिंग में बिजी है, लेकिन उनके बाद आज तक कोई नहीं मिले सर। मतलब हर बार एक नया बहाना? हाँ, एक बार बहाना पे बहाना चला सर, काम नहीं हो पाया। नहीं सर, पिछले हम लोग लॉकडाउन में सर पूरे दिल्ली में ही रुके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे 1.5 साल सर, 1 साल 14-15 महीना हो गया सर, अभी तक घर वापस नहीं गए। यहाँ पे लड़कियाँ सर, इनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ के पढ़ा रहे हैं सर, बेटी तो पढ़ गई, बेटी भी बच गई सर, आज बेटी रोड पे है सर, आप देख सकते हैं कि हाँ कितने बच्चियाँ अनशन पे है सर, भूखे प्यासे 36 दिन से, और प्रोटेस्ट सर हम लोग धरना पूरे ये 15 महीना से चला रहे सर, और सभी लड़कियाँ रोड पे है, ना कोई त्यौहार आज तक मनाई है सर, ना अपने घर में ये सही ढंग से जवाब दे पाती है कि हमारा निष्कर्ष क्या है सर। सोचिए गांव मोहल्ले में क्या बोलते होंगे कि ये 12 महीने 15 महीने से बाहर लड़कियां हैं, लड़कियां का क्या रिस्पॉन्स आता होगा सर, उनके गांव वाले क्या बोलते होंगे कि कहां गई नहीं गई, गांव में सर बहुत तरह तरह की बातें निकलती है सर, और 12-15 महीने से ये बाहर है, तो सोचिए आप खुद सोच सकते हैं, सरकार तो सोच नहीं रही है, लेकिन यहाँ के नागरिक ये तो सोच सकते हैं, वो तो हमें न्याय दिला सकते हैं सर। मैं विशाल लांडगे, SSC GD कैंडिडेट और गोंदिया का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग 1.5 साल से आंदोलन कर रहे थे, महाराष्ट्र के सभी सांसद के पास हम लोग घूम रहे थे, यहाँ तक कि भारत के जितने भी सांसद हैं उनके पास हम लोग मेमोरेंडम अपना दिए थे, हमारी बात 3 बार संसद में उठाई भी गई थी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति पास निवेदन दिए थे, ये आपके देख सकते हैं, हम लोग इच्छा मृत्यु का लेटर दिए थे, इसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। ये गृह मंत्री अमित शाह के पास हम लोग दिए थे सर, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं है सर, और ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके ही पास दिए थे, SSC चेयरमैन के भी पास दिए थे सर, और जितने भी जो बड़े हैं उनके सभी के पास हम लोग अपना लेटर दिए है सर, लेकिन उसका रिप्लाई कोई ठीक तरीके से दे नहीं रहा सर। हम यहाँ नागपुर में आए थे सर, जो 15 दिन हम लोग आंदोलन पर बैठे थे, हमें लगा था कि सर नागपुर में हमारी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि दिल्ली में हम लोग सभी के सांसद के पास घूरे थे, तो वहाँ एक ही नाम आगे आया था, एक तो गडकरी सर और दूसरा अमित शाह जी, तो सर हम लोग डायरेक्टली अमित शाह जी के पास तो जा नहीं सकते सर, तो हमने सोचा कि सर हमारे नेताजी गडकरी सर नागपुर के हैं, तो हम लोग उनके पास जाए जो हमारी बात आगे तक पहुँचाए, तो हम लोग बड़ी आशा लेके यहाँ नागपुर में बैठे थे सर। 15 दिन में हम लोग की कोई बात नहीं सुनी सर, तो हम लोग 4 मार्च 2022 को हम लोग आमरण उपोषण पे बैठे हैं, तो 7वें 8वें दिन सर गडकरी सर के पीए आए थे और हमसे मुलाकात करके चले गए,
उसके बाद सर कोई रिस्पांस नहीं है सर। यहाँ देख सकते हो सर, भारत के विभिन्न राज्यों से लड़के आए सर और आमरण उपोषण करने के लिए आए सर, वो उस चीज के लिए आए सर, देश सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती सर, क्लास वन की पोस्ट नहीं है, ये क्लास डी की पोस्ट होती है, जो सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ी होती है मौत के मुंह में, वो उसकी पोस्ट है सर। हमें पता नहीं चलता कि हम लोग कब मरे, कब हमारी जान चली जाए, वो हम लोग को पता नहीं होता, फिर भी हम लोग उस पोस्ट के लिए, देश सेवा करने के लिए आज आमरण उपोषण पे बैठे हैं सर, रास्ते पे बैठे हैं। हर किसी का कहना यह है कि आप अनशन तोड़ दो, काम हो जाएगा, और पिछले 1.5 साल से यही उम्मीद दी जा रही है, यही आश्वासन दिया जा रहा है, अनशन तोड़ दो, काम हो जाएगा। दिल्ली के बाद नागपुर में अनशन चल रहा है, पर फिर भी अभी तक काम नहीं हुआ है, कुछ और भी लोगों से जानते हैं। मेरा नाम प्रदीप पांडे है, SSCGD कैंडिडेट, मैं उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर नक्सल से बिलोंग करता हूँ। मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमने देश की सेवा करना जो हम अपने ठान लिए हैं, आप इसको पूरा नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम शुरू से इस चीज़ को अपने शुरू से, जब से ही हम पैदा हुए थे, जब मुझे जानकारियाँ हुई कि देश की सेवा, मुझे वर्दी जब मैंने देखा तभी से मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मुझे वर्दी पहनना है।